आप सबका, आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त, बुरा दाल गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का होता है और हर किसी का फेवरेट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये बिल्कुल ऑथेंटिक और फेमस दाल चावल जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और जो मेरे चैनल को नया विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप कौन कौन सी नई रेसिपीज़ जानना चाहते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल गोश्त मज़ेदार सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं गोश्त को है हम कुक करने के लिए रख देते हैं। गोश्त पकाने के लिए जो है सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल, हाफ कप मैं ले रही हूँ ऑयल इसके अंदर। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूसरे इंग्रीडियंट्स। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैंने एक बड़ी ले ली थी, या आपके पास अगर दो मीडियम है तो आप दो ले लें। मैंने इसको जो है रफली चॉप कर लिया था, छोटा छोटा चॉप कर लिया मैंने इसके अंदर। प्याज को मैं सौते करूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी प्याज को, सालन की तरह बस इतना करूँगी कि इसका कच्चापन ज़रा सा दूर हो जाए। और ये देखिए प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले में है काली मिर्चें 10 से 12, जो 5 से 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 जो है तेज पत्ता है इसके अंदर। ये सारा मैं गरम मसाला इसके अंदर डाल दूँगी। गरम मसाले की थोड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी फिर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेशली चॉप किया हुआ है। गरम मसाला सौते हो चुका है, मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और बस मैं इसको सौते कर रही हूँ। इसकी अच्छे से खुशबू आ जाएगी। मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मीट। मीट मैंने ले लिया है 1/2 kg, ये बीफ है, 1/2 kg मैंने ले लिया। और प्याज लहसुन अदरक और गरम मसाले के साथ पहले जो है ना इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। ताकि इसकी भी रॉ स्मेल चली जाए, और जिंजर गार्लिक जो हमने डाला है इसके साथ जब ये पकता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है और इसका कलर चेंज हो गया है। इसको इतना इन मसालों के साथ भूने कि इसका जो है हमारे मीट का जो है कलर चेंज हो जाए अच्छे तरीके से। बस ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, अगर आपका बड़ा है तो आप 1 ले लेंगे, मैंने फाइनली इसको चॉप कर लिया था। टमाटर डाल के मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon है इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 teaspoon है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon है इसके अंदर रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon है इसमें गरम मसाला और सॉल्ट है इसके अंदर 1.5 teaspoon। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 हरी मिर्चें वॉश करके, बस हल्का इसको भूनूंगी ताकि इसका जो दूसरा मसाला है सारा वो भी थोड़ा सा जो है भून जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, ताकि डिज़ोल्व होने में आसानी हो। जब हम बुनाई अच्छी सी कर लेते हैं तो फिर डिज़ोल्व भी ठीक से हो जाता है, तो इसे टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। ये देखिए अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, और देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब जो है इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डाल के जो है मैं गोश्त को रख दूंगी पकने के लिए, और तकरीबन ये 40-45 मिनट्स में ये पक जाएगा। अब मैं इसको लिड देकर रख रही हूँ पकने के लिए गोश्त को, और अब हम चढ़ा देते हैं अपनी दाल भी साथ ही साथ।
गोश्त जो है पकने के लिए रख दिया, अब मैं चढ़ा देती हूँ दाल। दाल के लिए जो है मैंने एक पॉट ले लिया है, मैंने ले ली थी तकरीबन 1.5 कप के करीब दाल, मैंने ले ली थी चने की दाल और मूंग की दाल। आप चाहें तो इसके अंदर जो मसूर की दाल होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग ये पसंद नहीं करते, तो मैं सिर्फ ये दो दाल ही डाल रही हूँ, चने की और मूंग की दाल। आप इसके अंदर अरहर की दाल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। दाल के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक टमाटर, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून इसमें गया ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गया इसके अंदर सॉल्ट। बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जा रही हैं 2 हरी मिर्चें और इसके अंदर जा रहा है 2 कप पानी। बस दाल को मैं अच्छे तरीके से गला लूँगी और इसी के अंदर जो है इसको घोट लूँगी दाल को। इसके बाद जो है जब हमारा गोश्त पक जाएगा तो हम आगे का स्टेप करेंगे। अब जो है मैं चेक कर लेती हूँ, तकरीबन 40-45 मिनट्स हो चुके हैं गोश्त को, और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। गोश्त के अंदर थोड़ा सा ही पानी बाकी है, लेकिन अगर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ तो गोश्त बिल्कुल पक चुका है अच्छे से। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर और दाल जो है ऑलरेडी पक चुकी है पहले से, क्योंकि दाल जल्दी ही गल जाती है। तो मैंने दाल का जो है चूल्हा जो है बंद कर दिया था और उसको जो है मैंने हाथ से ही जो है घोट लिया था, और अब जो है मैं इस पॉइंट पे मैं दाल भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सारी, क्योंकि बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको साथ ही साथ जो है घोट भी लिया था। आप चाहें तो इसको ब्लेंडराइज कर सकते हैं, क्योंकि दाल चने की दाल मोस्टली गलने में और थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में टाइम लेता है, तो आप जो है इसको ब्लेंडराइज भी कर सकते हैं। बस ये मैंने गोश्त को और दाल को जो है मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से, और बस मैं इसको 10-15 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी जो है इसके अंदर वो भी ड्राई हो जाए और एक दूसरे में जो दाल को और हमने को गोश्त को मिक्स किया है उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है दोनों का मिक्स हो जाए। बस ये रेडी हो चुकी है दाल, तकरीबन मैं इसको 1/2 घंटा और पकाऊंगी, 10-15 मिनट और पकेगी ताकि अच्छे से इसके फ्लेवर जो है अंदर चले जाएँ एक दूसरे के अंदर। बस ये रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी देर में हम इसको पकाते हैं। तो चलो दाल को कर लेते हैं चेक। ऑलमोस्ट जो है इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, दाल और गोश्त और सारा मसाला। और ये देखिए दाल बिल्कुल हो चुकी है रेडी और इसकी थिकनेस थिक भी हो गई है अच्छे से, ये देखें कितनी थिक दाल है। और बस इसकी क्वांटिटी भी देखें, यहाँ तक दाल थी, अब थोड़ा सा पानी भी जो है इसका ड्राई अप हो गया है। तो बस ये हो चुकी है रेडी, अब मैं इसको करती हूँ गर्मा गर्म ज़ीरा राइस के साथ सर्व। और ये लीजिए मज़ेदार से हमारा दाल गोश्त हो चुका है रेडी, मैंने इसको सर्व किया है गर्मा गर्म ज़ीरा राइस के साथ। आप इसको जो है नान और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, और जो मेरे चैनल को नया विज़िट करते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप कौन कौन सी नई रेसिपीज़ जानना चाहते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।